जय श्री कल्कि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भगवान कल्कि के बारे में जानने की चाहत उनके भक्तों के मन में और जो उनके भक्त नहीं हैं उनके मन में भी ये इच्छा जागृत हो रही है कि आखिर भगवान कल्कि यदि अवतरित हो चुके हैं तो हैं वो कहाँ पर और किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है और उनके साथ कम्युनिकेट हम लोग किस लैंग्वेज में कर सकते हैं, यानी उनके बारे में ओवरऑल जानने की चाहत आज हर इंसान के मन में है, क्योंकि वही तो हैं जो श्रीहरि हैं और जो युग परिवर्तन करके सतयुग की स्थापना करने इस धरा पर उपस्थित हुए हैं। एट प्रेजेंट भगवान कल्कि हैं तो आखिर हैं कहाँ पर, आज हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास सटीक नहीं। उसका कारण क्या है? चलिए आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से भगवान कल्कि के बारे में कुछ और सही बातें, सत्य बातें समझाने की कोशिश करती हूँ। जब किसी इंसान के लोकेशन को ट्रेस करना होता है तो हमें मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, डेटा की ज़रूरत पड़ती है या किसी के आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। मेल भेजा गया है तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल कंपनियां उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करके पता कर लेती हैं कि वास्तव में जो इंसान दूसरों की नज़रों से छिपता फिर रहा है उसकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर, और ट्रेस करके मोबाइल नंबर से ये पता लगा लिया जाता है कि वो एट प्रेजेंट कहाँ पर, किस जगह पर एग्जैक्ट उसका लोकेशन क्या है। लेकिन अगर मैं यदि ये कहूँ कि भगवान कल्कि भले ही आज के एडवांस युग में आए हैं, लेकिन यदि उनका मोबाइल नंबर ही अवेलेबल ना हो, यदि उनके पास इंटरनेट जैसी सुविधा ही ना हो, तो आप लोग सिरे से मेरी बात को खारिज करेंगे कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में मानव अवतार के रूप में भगवान कल्कि धरा पर हैं तो भला कैसे बिना मोबाइल के, बिना टैबलेट यूज़ किए, बिना इंटरनेट के, बिना लैपटॉप और कंप्यूटर के भगवान कल्कि का काम चल रहा है। दरअसल इन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें कुछ डेटा कलेक्ट करके रखना रहता है, सेव करके रखना रहता है। तो हम अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, अलग अलग फाइल बनाते हैं और उसमें डेटा सेव कर लेते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का फ़ोन नंबर हम लिख नहीं सकते, इसलिए टाइम बचाने के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेव कर लेते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ तो आपको शायद जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भगवान कल्कि के लोकेशन को एट प्रेजेंट वो कहाँ पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस घर में हैं, किस जगह पर हैं और उस समय उनका कार्य किस प्रकार चल रहा है। ना उनका कोई आईपी एड्रेस मिल सकता है, ना ही उनका मोबाइल नंबर, कारण उन्हें ना किसी मोबाइल की ज़रूरत, ना किसी लैपटॉप की, ना कंप्यूटर की, ना किसी को मेल भेजने की ज़रूरत और ना ही अपना लोकेशन ट्रैक या ट्रेस करने की सुविधा किसी को देने की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आप कहेंगे उनका काम कैसे चलता है, वो कैसे इतने लोगों का डेटा अपने फोल्डर के अंदर, किस फोल्डर के अंदर रखते हैं, कैसे सेव करते होंगे, किस प्रकार से उनका काम बिन मोबाइल के चल जाता है। तो एक बात तो मैंने क्लियर की कि भगवान कल्कि के लोकेशन के बारे में जब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि बताइए आपने इतने सारे वीडियोस बनाए, अभी भगवान कल्कि कहाँ पर हैं, तो अभी एट प्रेजेंट भगवान कल्कि कहाँ पर हैं, ये बात वही बता सकता है जिसके पास भगवान कल्कि का या तो मोबाइल नंबर हो या तो उनका आईपी एड्रेस हो, जिसको ट्रेस करके, ट्रैक करके वो तुरंत लोकेशन का पता लगा लें। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर एक ऐसा मानव अवतार जो पूरे अखंड ब्रह्मांड पर राज्य करता हो, जो अखंड
हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो पालनहार हो, पूरे ब्रह्मांड का डेटा जिसके पास खुद मौजूद हो, उसे उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में सारे डेटा हमारे रिजर्व रहते हैं, लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का बहुत कम पोर्शन यूज़ कर पाते हैं। लेकिन भगवान कल्कि का ब्रेन, उनका माइंड कुछ इस तरह का है कि उनमें स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें बाहर मेटलिस्टिक वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनकी आँखों के सामने 24 घंटे 24/7 हर एक का, हर एक की हर खबर उनके पास पहुंच रही है, वो सामने देख रहे हैं और याद भी रख रहे हैं। तो इसलिए जिस इंसान के पास ना मोबाइल हो, ना लैपटॉप हो, ना कंप्यूटर हो, ना इलेक्ट्रॉनिक कोई अदर डिवाइस हो, ना जिसके पास आईपी एड्रेस हो, फिर भला कैसे उन्हें हम ट्रेस कर सकते हैं? और यदि उनका ट्रैक, उनको ट्रेस हम नहीं कर सकते उनकी लोकेशन को, तो कैसे उनके लोकेशन का पता चलेगा? और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भगवान कल्कि अहमदाबाद में हैं, कभी कहेंगे उड़ीसा में हैं, कभी कहेंगे छत्तीसगढ़ में हैं, और कभी कहेंगे यूपी में हैं, और या तो कह देंगे साउथ में, एट प्रेजेंट भगवान कल्कि का लोकेशन मिला है। तो ऐसे लोग जो भगवान कल्कि के लोकेशन का पता करने का दावा कर रहे हैं, वो दूसरों को महामूर्ख समझते हैं और अपनी चालाकी दिखलाकर दूसरों को उस जाल में बखूबी फंसाने का कार्य करते हैं। लेकिन केवल सत्य से मैं अपने वीडियो को जब बनाती हूँ, तो भगवान कल्कि भी मेरे ऊपर नज़रें जमाए हुए हैं, इसलिए उनके बारे में मैं कोई भी ऐसा वाक्य नहीं कह सकती कि कोई भी आपको झूठ मूठ फेक नंबर दे दूं और कह दूं ये भगवान कल्कि का नंबर है। नहीं, मुझे पता है, कंफर्म पता है कि जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है उसको मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोबाइल हमारे युग की देन है, कलयुग की देन है। मोबाइल जब नहीं था, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, टेलीफोन्स भी नहीं थे, तब क्या दुनिया नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। तो वैदिक परंपरा की तरफ जब हम लोग लौट रहे हैं और सतयुग का आगमन जब होगा, तो सतयुग में ये डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। यानी हर इंसान के दिमाग के स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंसान अपने सारे इंफॉर्मेशन को उसमें न सिर्फ सेव करके रख सकेगा, बल्कि उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर वेट करने के, डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि लाइट चली गई अब मैं क्या करूं? नहीं, वो खुद में ही इतना स्ट्रांग रहेगा कि उसको किसी और के लोकेशन की ट्रेस करने की, लोकेशन ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आँखों के सामने एक के बाद एक अपने आप इनर पावर के द्वारा, उन शक्तियों के द्वारा जो उनमें जागृत होंगी, उनके द्वारा ही वो आंखें बंद करके देख लेगा कि सामने वाला इंसान कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। हमारी जो मेंटल पावर होती है वो बहुत सुपर क्वालिटी की होती है। सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है वो ऑसम होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। ऋषि मुनियों के पास वो पावर होती है, उनके पास देखिए कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी की भी लोकेशन ट्रेस करके, किसी का भी लोकेशन ट्रैक करके आपको बखूबी बतला सकते हैं कि वो इंसान अभी कहाँ पर है और क्या कर रहा है। इसलिए मैंने कहा, अगर कोई यदि हमसे पूछे कि भगवान कल्कि अभी कहाँ पर है, तो मैं यही कहूँगी, अपनी आँखों को बंद कीजिए, खुद अपने आप से जुड़िए। भगवान कल्कि यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह हर जीव में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।